मरकजी हुकूमत ने पीर को कोविड नाइन्टीन इलाज के लिए क्लिनिकल गाइडलाइन में तरमीम की है और मरीजों की इलाज के लिए जो प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा था उसे क्लिनिकल गाइडलाइन से हटा दिया है। हुकूमत ने पाया है कि कोविड नाइन्टीन मरीजों की इलाज में प्लाज्मा थेरेपी संगीन बीमारी को दूर करने और मौत के मामलों को कम करने में मुफीद साबित नहीं हुआ है कोविड नाइन्टीन के लिए आई सी एम आर की गुजत हफ्ते हुई बैठक के दौरान तमाम मेंबर प्लाज्मा थेरेपी को क्लिनिकल गाइडलाइन से हटाने पर मुतफ़ हुए थे जिसके बाद हुकूमत ने यह फैसला सुनाया है प्लाज्मा थेरेपी को कोविड 19 मरीज के इलाज में मौसर नहीं पाया गया है आई के अफसर ने कहा कि टास्क फोर्स ने बारिश कोविड 19 मरीजों के लिए इलाज से मुतल क्लिनिकल गाइडलाइन में तरमीम करते हुए प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया है काबिल जिक्र है कि कुछ माहरीन और साइंसदानों ने चीफ सैंसी मशीर के विजय राघवन को मुल्क में कोविड नाइन्टीन इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल को ग़ैर मुंतखी और गैर सैंसी करार दिया था बता दें कि इस साल अक्टूबर अक्तोब, में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर ने माली एानत हासिल एक मतलब में कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड नाइन्टीन की मौत की शरह को कम करने में मुफी साबित नहीं हो रही है दरी इसना प्लाज्मा थेरेपी के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लाज्मा को मुख्तलिफ़ पर हज़ारों रुपयों का मुतालबा करते हुए खून के प्लाज्मे की कालाबाजारी हो रही थी और कई लोग इसे धंधा बना चुके थे उत्तर प्रदेश दिल्ली और महाराष्ट्र में कई लोग इसे कारोबार की शक्ल देकर हज़ारों रुपये कमा रहे थे ब्यूरो रिपोर्ट इनकलाब न्यूज़ नई दिल्ली